नमस्कार, जन समय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चांदनी परिहार ले चलती हूं आपको सीधे मुख्य समाचार। जालौर में अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर राज्य कर्मचारियों ने दी गिरफ्तारियां। रक्तदान सबसे बड़ा महादान, आरती शर्मा ने 3 वर्ष में किया 10 से 12 बार रक्तदान। विश्व साक्षरता दिवस पर जालौर में रंगोली प्रतियोगिता। दिल्ली में राजस्थान महिला सशक्तिकरण महिलाओं के अधिकारों से संबंधित प्रभार सौंपा जालौर की अंजुमन जालौरी को। जसवंतपुरा विकास अधिकारी ने सुनी बांसड़ा धनजी ग्रामीणों की समस्याएं। खुले में शौच से आजादी सप्ताह के तहत भिनमाल में जागरूकता रैली, भाषण एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। रानीवाड़ा भाजपा के चारों मंडलों की हुई सामूहिक बैठक। आहोर के गोदन गांव में विकलांग कैंप का आयोजन। आहोर रानीवाड़ा छात्र संघ चुनाव में पप्पू सिंह और गणपत सिंह की जीत की भौमिया राजपूत समाज ने जताई खुशी। चार धाम यात्रा पर निकले तुलसाराम महाराज का पुनासा में भव्य स्वागत। देश भर में पीर शांतिनाथ महाराज की 5वीं पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक बड़ी धूमधाम से मनाई। अब समाचार विस्तार से। जालौर में अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर राज्य कर्मचारियों ने दी गिरफ्तारियां। राज्य कर्मचारियों ने 7वें वेतनमान सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट जालौर के सामने सत्याग्रह एवं जेल भरो आंदोलन। अध्यक्षता भवर सिंह बालावत, मुख्य अतिथि तेज सिंह राठौड़ प्रदेश महामंत्री, नारायण सिंह तंवर प्रदेश संयुक्त मंत्री, पूनम चंद बिश्नोई प्रदेश मुख्य महामंत्री प्रगतिशील के सानिध्य में सभा का आयोजन कर गिरफ्तारियां दी। महासंघ के जिला अध्यक्ष पुनमाराम बिश्नोई ने आसपास की लड़ाई का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार अपना नैतिक पतन कर चुकी है, कर्मचारियों में भयंकर आक्रोश है। सरकार अगर तानाशाही रवैये पर उतारू है तो कर्मचारी सड़कों पर उतर चुके हैं। वहीं नारायण सिंह तंवर ने कहा कि सरकारी उपक्रमों को तोड़ा जा रहा है एवं पीपी मोड पर देने पर आमदा है। सरकार शिक्षकों की सुविधाओं को कम करते हुए गुणात्मक सुधार की बात कर रही है। उन्होंने निजीकरण की बात पर भी सरकार को आड़े हाथ लिया। आंदोलन में संघ के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के प्रति जबरदस्त विरोध प्रदर्शित किया गया है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला प्रवक्ता कैलाश खत्री ने कहा कि चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा एवं 6वें वेतमान की विसंगति दूर करने के साथ 7वें वेतमान को समय रहते लागू की मांग रखी। वहीं आज कर्मचारियों के ग्रेड पे में कटौती किए जाने का मुख्य विरोध किया। कर्मचारियों ने अपने 15 सूत्री मांगों को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारियां दी। रक्तदान महादान, आरती शर्मा ने 3 वर्ष में किया 10 से 12 बार रक्तदान। आमतौर पर महिलाओं में रक्तदान करने का जज्बा कम ही देखा जाता है, खास तौर पर पुरुष ही रक्तदान करते नजर आते हैं। ऐसे में जालौर शहर सहित जालौर ग्रामीण अंचल में 4 से 5 महिलाएं हैं जो रक्तदान करती आ रही हैं। ऐसे में हम बात करें मध्यम परिवार की बेटी आरती शर्मा की, तो उन्होंने 3 वर्षों में करीब 10 से 12 बार रक्तदान करके गरीब मरीज महिलाओं की जान बचाई है। आरती शर्मा रक्तदान करने में कभी नहीं कतराती, उनको रक्तदान करने की प्रेरणा उनकी माँ से मिली है। दी गांव की रहने वाली आरती शर्मा पुत्री स्वर्गीय कांतिलाल भट्ट को मानव सेवा करना अच्छा लगता है। वो किसी भी लाचार बेबस की मदद करने में पीछे नहीं रहती, यही कारण है कि वो हर बार जरूरतमंद बीमार गरीब महिलाओं को अपना रक्तदान करती आ रही हैं। जालौर ब्लड बैंक सूत्रों ने बताया कि जालौर शहर सहित ग्रामीण अंचल में 4 से 5 महिलाएं हैं जो रक्तदान करती आ रही हैं। वहीं जालौर धवला की कार्यरत ANM अनीता व्यास को रक्तदान जैसे उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी 51,000 का चेक देकर अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। श्रीमती व्यास ने करीब 10 वर्ष में 37 बार रक्तदान का अनूठा कार्य किया है। अनीता व्यास जैसी महिलाओं को देख सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं आरती शर्मा 12 बार, कोमल शर्मा 5 बार, सुष्मिता गर्ग व रेखा देवड़ा ने 6 बार रक्तदान किया। इनको देख जरूरत पड़ने पर और भी महिलाओं को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। विश्व साक्षरता दिवस पर जालौर में रंगोली प्रतियोगिता। आज साक्षरता दिवस पर जालौर मुख्यालय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर और राजेंद्र नगर स्कूल में छात्राओं ने अलग अलग ग्रुप बनाकर कलेक्टर परिसर में रंगोलियां बनाई। विभिन्न ग्रुप्स में छात्राओं में बड़े उत्साह के साथ प्रतियोगिता में भाग लेते हुए आकर्षक रंगोलियां बनाई गई। दिल्ली में राजस्थान महिला सशक्तिकरण महिलाओं के अधिकारों से संबंधित प्रभार सौंपा जालोर की अंजुमन जालोरी को। IHRO इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की बैठक दिल्ली के मंडी हाउस में हुई। ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन नैन सिंह प्रेमजी द्वारा जालोर की अंजुमन जालोरी द्वारा किए गए महिला सशक्तिकरण कार्य की सराहना करते हुए प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित कर राजस्थान महिला सशक्ति महिलाओं के अधिकारों संबंधित प्रभार सौंपा गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए जन समय न्यूज। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको अगले समाचारों की तरफ। जसवंतपुरा विकास अधिकारी ने सुनी बांसड़ा धनजी ग्रामीणों की समस्याएं। मोदरान से जे राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती बांसड़ा धनजी ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर आज शुक्रवार को जसवंतपुरा विकास अधिकारी GS नागला, राजीव परमार एवं जालम सिंह ने गांव में ODF से संबंधित बैठक को लेकर ग्रामवासियों से रूबरू हुए। ग्रामीणों ने गंदे पानी की निकासी, शौचालय निर्माण का भुगतान, ग्राम सेवक की कार्यशैली की शिकायत जैसी समस्याओं से अधिकारी को अवगत करवाया। अतिवृष्टि में ई मित्र मशीनरी के खराब होने पर रोजमर्रा के काम ठप होने और साथ ही पीने के पानी में अनियमितता की भी ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई। इस मौके पर उप सरपंच मंगलाराम राजपुरोहित, सरपंच संतोष कुंवर राठौड़, जालम सिंह, ई मित्र संचालक सुरेश कुमार सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। पंचायत को ODF करने के लिए मॉर्निंग फॉलोअप के तहत सभी जनों की टीम बना करके और सुबह हर घर घर में जाकर के शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया गया। खुले में शौच से आजादी सप्ताह के तहत भिनमाल में जागरूकता रैली, भाषण एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। भिनमाल से अरविंद सिंह की रिपोर्ट के अनुसार नगरपालिका मंडल भिनमाल द्वारा खुले में शौच से आजादी सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता रैली, भाषण एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय चाणक्य विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष सांवलाराम देवासी ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को आग्रह करते हुए कहा कि आयोजन के मुख्य उद्देश्य को अपने जीवन में अंगीकार करें। पालिका आयुक्त ने घर में शौचालय बनाने की बात कही। उन्होंने प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह प्रदान किए। सावलचंद लोल ने आभार ज्ञापित किया, वहीं मंच का संचालन मीठालाल जांगीर ने किया। रानीवाड़ा भाजपा के चारों मंडलों की हुई सामूहिक बैठक। भारतीय जनता पार्टी रानीवाड़ा के चारों मंडलों के समस्त कार्यकारिणी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल के मुख्य आतिथ्य में रानीवाड़ा कार्यालय में रखी गई। बैठक में देवल पार्टी द्वारा प्रायोजित बूथ स्तरीय पार्टी को मिलजुल कर मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्य का लाभ आम आदमी को मिले। जिला विस्तारक प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। बैठक में महामंत्री खंडेलवाल ने बूथ विस्तार योजना के कार्यक्रम को लेकर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर चारों मंडल अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी के साथ कार्यकर्ता उपस्थित थे। आहोर के गोदन गांव में विकलांग कैंप का आयोजन। कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार आहोर के निकट गोदन गांव में विकलांग कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में सरपंच नीमाराम चौधरी, कनिष्ठ लिपिक मोहनी भाटी, रोजगार सहायक रामेश्वरी बिश्नोई,
सुरक्षा गार्ड एवं सामाजिक कार्यकर्ता भीम सिंह राव ने पंचायत में ग्राम विकलांग लोगों के फॉर्म भरे। कैंप में ई मित्र द्वारा 27 लोगों का ऑनलाइन फॉर्म भरवाया गया। आहोर रानीवाड़ा छात्र संघ चुनाव में पप्पू सिंह और गणपत सिंह की जीत की भौमिया राजपूत समाज ने जताई खुशी। रविंद्र सिंह उमच की जानकारी के अनुसार रानीवाड़ा और आहोर में छात्र संघ चुनाव में गणपत सिंह सोलंकी और पप्पू सिंह दहिया के विजय होने पर भौमिया राजपूत युवा परिषद के जिलाध्यक्ष सर्जन सिंह राठौड़, भभूत सिंह भाड़ू, समाज सेवी चंदन सिंह डामी ने खुशी मनाई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि समाज के युवा विजय होने पर आज पूरे समाज में खुशी की लहर है। चार धाम यात्रा पर निकले तुलसा राम जी महाराज का पुनासा में भव्य स्वागत। थोबाऊ से दोलचंद राव की रिपोर्ट के अनुसार बिजरोल खेड़ा से चातुर्मास संपूर्ण कर चार धाम यात्रा पर निकले तुलसा राम जी महाराज आसोत्रा का गुरुवार 8 बजे पुनासा दूधेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। महाराज ने पूज्य शंभुगिरी जी महाराज के दर्शन करने के साथ ही पुनासा महंत बाबूगिरी जी महाराज, प्रेम भारती जी महाराज, गजीपुरा चेतनानंद जी महाराज, गोधरा के बालाकांद और दादाल के विजयानंद के साथ कई संतों से मिले। इस अवसर पर भिनमाल प्रधान धुखाराम राज पुरोहित, शक्ति सिंह, उमराव सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। देश भर में पीर शांतिनाथ जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक बड़ी धूमधाम से मनाई। संपूर्ण भारत में बसे पीर शांतिनाथ महाराज के भक्तों द्वारा उनकी 5वीं पुण्यतिथि बड़े धूमधाम के साथ श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। भक्तों द्वारा पुण्यतिथि के अवसर पर रात्रि भजन संध्या व अगले दिन प्रसादी का आयोजन किया गया। हम दिखा रहे हैं देश में विभिन्न जगहों पर पीर शांतिनाथ महाराज के नाम आयोजित कार्यक्रमों की कुछ झलकियां, आइए देखते हैं। Yeah, come on, 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 come
और अंत में मौसम विज्ञान की खबर में जालौर शहर का आज का तापमान अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जन समय के समाचारों में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय भारत, जय जालौर।